हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नवीन दहिया। आज हम डिस्कस करेंगे बीएड सेकेंड ईयर रेगुलर का क्वेश्चन पेपर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये है आपका आईजीयू का। अगर आप आईजीयू से बीएड कर रहे हैं तो लास्ट जो पेपर हुए थे जून 2019 में, तो ये पेपर है आपका, पेपर है फिफ्थ ए। ठीक है जी, फिफ्थ ए पेपर है ये आपका। और जो टाइमिंग है 1.5 आपके पास टाइम होगा एंड जो मैक्सिमम मार्क्स 40 आपके मार्क्स होंगे, 10 आपके असेसमेंट के होंगे और कम्प्लीटली 50 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें 5 क्वेश्चन आपको दिए हुए होंगे, 3 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं और फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी। नेक्स्ट 2 यूनिट में आपको 2 क्वेश्चन गिवन होंगे जिसमें से आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो किस तरह से क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि कंपलसरी है, ये आप देख रहे हैं 4-4 में 2 क्वेश्चन हैं और 8 आपका टोटल क्वेश्चन है 8 मार्क्स में। तो फर्स्ट है टीचर्स एज एन एजेंट ऑफ चेंज, परिवर्तन में एजेंट के रूप में शिक्षक की क्या भूमिका है वो बतानी है आपको 4 मार्क्स में। उसके बाद है ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल वैल्यूज, जो माता पिता के मूल्यों का संचरण है वो बताना है आपका 4 मार्क्स में। टोटल 8 मार्क्स में आपका पेपर है। उसके बाद आप देख रहे हैं फर्स्ट यूनिट जिसमें आपको 2 क्वेश्चन गिवन होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय इक्विटी एंड इक्वालिटी, डिस्कस द रोल ऑफ कल्चर इन द एमरजेंसी ऑफ जेंडर स्पेसिफिक रोल्स, समता और समानता से आप क्या समझते हैं, लिंग विशिष्ट भूमिकाओं के उद्भव में संस्कृति की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ये है आपका, यहाँ पर मार्क्स भी आप देख सकते हैं, 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड और ये देखिए 2 क्वेश्चन इसमें गिवन है 8 मार्क्स के, टोटल 16 मार्क्स के क्वेश्चन बनता है ये भी। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी, विघटनकारी सिद्धांत कौन कौन से हैं, क्या बताया गया है इसमें वो बताना है 8 मार्क्स में। उसके बाद है आपका क्वेश्चन थर्ड का सेकंड, सोशलाइजेशन प्रैक्टिस इन फैमिली, ये भी आपको 8 मार्क्स में बताना है। उसके बाद आपकी सेकंड यूनिट है, इसमें 2 ही यूनिट आपको मिलेंगी और सेकंड यूनिट है आपकी क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी, डिस्कस द रोल ऑफ स्कूलिंग इन डेवलपिंग नेशनल वैल्यूज, स्कूल और समाज में, स्कूल और समाज का क्या संबंध है, राष्ट्रीय मूल्यों को विकसित करने में स्कूली शिक्षा की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ये भी आपका 16 मार्क का क्वेश्चन है। उसके बाद आप देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन वाला व्हाट डू मीन बाय पेरेंटिंग स्टाइल, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ पेरेंटल एक्सपेक्टेशन एंड वैल्यूज, पेरेंटिंग स्टाइल से आप क्या समझते हैं, माता पिता की अपेक्षाओं और मूल्यों के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ये जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th आपका, फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा होगा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, वहाँ पर भी आपने देखा था किस तरह के पेरेंट्स होते हैं, 4 टाइप्स पेरेंट्स बताए थे। तो वही आपसे पूछा गया है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में दोबारा से। ठीक है जी, तो ये आपका पेपर था आईजीयू का बीएड सेकंड ईयर का जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, 40 मार्क्स का है और कंप्लीटली पेपर आई होप हो चुके हैं। एक पेपर बचता है हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन और एक बचता है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव असेसमेंट फॉर लर्निंग का, 2 पेपर बचते हैं, दोनों ही अपलोड कर दिए जाएंगे जल्दी ही। और उसके लिए अगर आपको पेपर और चाहिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइज़।